नमस्कार दोस्तों, मैं राम बालक महतो भामतो एजुकेशन के इस चैरिटेबल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मेरा इकोनॉमिक सर्वे का सेशन चल रहा है और इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट टू का तीसरा चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का हेडिंग है मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता, अर्थात मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2017-18 के दौरान मौद्रिक नीति स्थिर बनी रही, जिसमें अगस्त में केवल एक पॉलिसी दर में कटौती की गई। जैसे जैसे नोटबंदी का वर्षानुवर्ष प्रभाव घटता गया, संचालन में मुद्रा और M0 दोनों की वृद्धि दरें तेजी से सकारात्मक हो गई। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति की आय में सितंबर 2017 से स्थिरता आई और बैंकिंग क्षेत्र की NPAs की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को सक्रिय रूप से प्रयोग किया। दोस्तों, आगे बढ़ के अगर हम बात करें कि नकदी की स्थिति और इसका प्रबंधन के संबंध में सरकार की क्या भूमिका रही, तो इस संबंध में नवंबर 2016 के आरंभ में विमुद्रीकरण के बाद RBI ने पारंपरिक तथा अपारंपरिक दोनों लिखतों का प्रयोग करके अपनी नकदी आमेलन संक्रियाओं में वृद्धि कर दी और वर्ष 2017-18 के पूर्वार्ध के लिए भारित औसत कॉल दर अर्थात वेट एवरेज कॉल रेशियो को रिवर्स रेपो दर के करीब लाया था। परंतु हाल ही के महीनों में यह नीति की घट बढ़ रही सीमा अर्थात कॉरिडोर के मध्य में पहुंच गया था। वहीं अगर हम सरकारी प्रतिभूतियों की बात करें तो मई और जुलाई 2017 में निम्न मुद्रा स्फीति बनी रही थी, मानसून का सकारात्मक पूर्वानुमान रहा था और मौद्रिक नीति के शांत रवैये के कारण उम्मीद से बेहतर होने की सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार नरम रुझान के साथ हुआ था। फिलहाल जो है सरकारी प्रतिभूति की उपार्जन 7.5% पर आ गया है। अब हाँ, अगर बैंकिंग क्षेत्र की बात करें अर्थात बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन वर्तमान वर्ष में निरंतर हरका बना रहा है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल अनर्जक अग्रिम अर्थात ग्रॉस NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अनुपात मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 9.5% से अधिक बढ़कर 10.5% के करीब हो गया था, जबकि उनका पुनः संचरित मानक अग्रिम अनुपात 2.5% से घटकर 2% पर आ गया था। वहीं हम स्ट्रेज जोखिम अग्रिम अनुपात की बात करें तो इस अवधि में 12.1% से थोड़ा बढ़कर 12.2% हो गया था। दोस्तों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी और पूंजी जोखिम भारित अस्थि के बीच का अनुपात अर्थात कैश रिजर्व एजुकेटी रेशियो मार्च 2017 और सितंबर 2017 के बीच 13.6% से बढ़कर 13.9% हो गया, जिसका मुख्य कारण था निजी क्षेत्र के बैंकों में हुआ सुधार। सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों ने मार्च 2016 से निरंतर ऋणात्मक लाभपरक अनुपात दर्ज किया है। अगर हम क्रेडिट की बात करें तो नवंबर 2017 में गैर खाद क्रेडिट में पिछले वर्ष नवंबर 2016 से 4.5% की तुलना में वर्ष दर वर्ष 8.5% से अधिक अर्थात 8.85% की वृद्धि कर ली है। दोस्तों, अगर हम NBFCs की बैंक करें अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज की, तो वित्तीय क्षेत्र में विविधता और दक्षता लाती है, इससे ग्राहकों की ज़रूरतों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाती है। पीयर टू पीयर और अकाउंट एग्रीगेटर NBFCs की नई श्रेणियां हैं जिन्हें हाल ही में शुरू किया गया है। छोटे ऋणदाताओं और छोटे उधारकर्ताओं के बीच प्रत्यक्ष सहक्रिया के जरिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और उपभोक्ता संरक्षण के सहबद्ध मुद्दों का समाधान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFCs पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म नामक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की नई श्रेणी की शुरुआत की है, जिसमें साधारण स्तर का विनियमन है तथा पर्याप्त प्रकटनों पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर देखें तो NBFCs क्षेत्र के समेकित तुलन पत्र के आकार में 5% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। आगे बढ़कर अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो वर्ष 2017-18 में पिछले वर्ष की
तुलना में प्राथमिक बाजार खंड में संसाधन जुटाने में लगातार वृद्धि देखी गई है। वहीं भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में 2016 से 17 के दौरान मजबूती दर्ज की गई है। वहीं कॉरपोरेट बॉन्ड की बात करें तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स के निर्गमन के जरिए संसाधन जुटाने में वर्ष 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखने को मिली है। वहीं अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो S&P BSE संवेदी सूचकांक में वृद्धि देखने को मिल रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूती की ओर बढ़ने को इंगित कर रहा है। अगर हम बीमा सेक्टर की बात करें तो बीमा वित्तीय क्षेत्र का अभिन्न अंग होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एशिया में कुछ उभरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे मलेशिया, थाईलैंड और चीन में यह अच्छी खासी स्थिति में बनी हुई है। वहीं भारत में भी कई प्रकार की बीमा जैसे फसल बीमा, मोटर बिक्री बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि से उद्योग की वृद्धि में मदद मिलता है। अगर हम जीवन बीमा की बात करें तो जीवन बीमा उद्योग में पूर्व वित्त वर्ष में 367,000 करोड़ रुपया की तुलना में 418,000 करोड़ रुपया की प्रीमियम आय दर्ज की गई है, जो 14.4% की वृद्धि को दर्शा रहा है। कुल मिलाकर हम देखें तो बीमा क्षेत्र भारत की पक्ष में दिखता नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये था मेरा चैप्टर की समाप्ति। फिर मिलते हैं एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।